CUET UG 2023 अप्लाई ऑनलाइन, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट 30 है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो BSc करेंगे ना विद्यार्थी, तो उनके लिए ये एंट्रेंस होगा। आपको यूनिवर्सिटी भी दिखा देंगे जिसमें ये एंट्रेंस जो आप दोगे ना यूज होगा। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, ये ऐसे करके देख लेना अपने मोबाइल से। देखिए फॉर्म लास्ट डेट, देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी 30/3/2023, ठीक है, ये लास्ट डेट है। और स्टार्टिंग बताइए 9/2/2023 अप्लाई, लास्ट डेट तो ध्यान रखना भाई 30 तारीख है, कर लेना ऑनलाइन जो BSc करेंगे, ठीक है। और ये सब दे रखा है, कितनी फीस है, जनरल के लिए है ₹750, और EWS अगर सर्टिफिकेट है, OBC कैटेगरी है ₹700 फीस है, और SC ST और PH, ठीक है, ये जो है ₹650 सबकी दे रखी है, कितनी फीस है कितनी, और लास्ट डेट 30 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एग्जाम जो होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया है मई में होगा, 21 से 31 तक हो जाएगा, ठीक है, मई में ये एग्जाम होगा आपका। और ये यूनिवर्सिटी बता दी गई है कि इनके लिए जो है एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको, सारी यूनिवर्सिटियाँ दे दी गई हैं। देखिएगा यहाँ से आपको पहले ये देखिएगा यूनिवर्सिटी, और ये सब लिखा है NTA की फुल फॉर्म, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA करवाती है ना, CUET का पेपर। और यहाँ पर बताया गया है 2023 के लिए, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बता दी गई है। देखिए लिस्ट ये है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और असम यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटियाँ दे दी गई हैं, जिनमें आप ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब पास हो जाओगे तो इन यूनिवर्सिटियों में आप एडमिशन ले सकते हो भाई, ठीक है। BSc जो भी करेंगे, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और यहाँ से आप निकाल सकते हो सिलेबस भी। वैसे तो सिलेबस मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है, कितना पढ़ना है कितना नहीं, फिर भी वन बाय वन लाइन आपको समझाएंगे, अलग से समझाएंगे, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पे, देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा, ये नोट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोल दिया गया है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, ठीक है। फिर आगे लिखा विच विल कंटेन टू सेक्शंस, ठीक है, दो सेक्शंस मिलेंगे आपको, सेक्शन ए दिख रहा होगा और सेक्शन बी दिख रहा होगा, ठीक है। सेक्शन बी में B1 B2 आपको मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना, सेक्शन ए में कंपलसरी ये 15 क्वेश्चन आपको करना है, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में आपको B1 B2, ठीक है, या तो B1 के क्वेश्चन सॉल्व करना है या B2 के, मैं बताऊंगा आपको कि B1 के क्वेश्चन सॉल्व करना है या B2 के। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, B1 के लिए लिखा है मैथमेटिक्स और B2 के लिए लिखा है अप्लाई मैथमेटिक्स, तो अप्लाई मैथमेटिक्स आपको करना नहीं है, ठीक है, तो B2 काटना है, इसको नहीं करना है। मतलब सेक्शन बी में दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक तो B1 मिलेगा, एक तो B2 मिलेगा, तो B1 रहेगा मैथमेटिक्स और B2 रहेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो B2 वाले क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वही आपको प्रैक्टिस करना है MCQ क्वेश्चन की। आप पेपर दे चुके हो, आपको क्या करना है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। B1 में मिल जाएंगे सारे पार्ट, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक, और 15 ये क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन ए में है, तो ये 15 क्वेश्चन इसी में आपको मिलेंगे ना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक, ठीक है। और आगे लिखा है सब, देखिए B1 35 क्वेश्चन करना है या फिर B2 से करिए, टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको 40 करने हैं, ठीक है, और आपको मिनट मिलेंगे 35, मतलब 45 मिलेंगे मिनट आपको, तो 45 मिनट मिलेंगे जिसमें 5 मिनट तो आपके चले जाएंगे नाम रोल नंबर लिखन में, और गोला करोगे उसमें चले जाएंगे 40 मिनट, समझो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे 40 मिनट मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन एक मिनट में आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का माय डियर स्टूडेंट आपको मिलेगा, और बाकी तो मैंने समझा ही दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा फटाफट, यहाँ पे बोला गया है सेक्शन ए, देखिए ये लिखा है साफ साफ सेक्शन ए,
देखिए अलजबरा, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो यही तो सब पार्ट एक से लेके पार्ट 13 तक हैं भाई। ठीक है, सेक्शन ए में यही आपको पार्ट मिलेंगे पार्ट एक से लेके पार्ट 13 तक, 15 कर लेना। फिर आगे पार्ट एक से लेके पार्ट 13 तक आपको मिलेंगे सेक्शन, देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा B1 मैथमेटिक्स B1। ठीक है, तो इसी में आपको मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शंस, मतलब संबंध एवं फलन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, फिर मैट्रिक्स देखिएगा, डिटर्मिनेट सारिक बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी बोलते हैं, अवकल नेता एवं सांतत्य, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये तो आप जानते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और ये इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स और है आगे देखता हूं, हाँ आगे भी है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, ये सब इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है। ठीक है, वही क्षेत्रफल वगैरह निकालना होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, पार्ट एक से लेके पार्ट 13 तक पूरा पढ़ना है आपको। देखो वेक्टर आ गया, 3D आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग आ गई, तो प्रोबेबिलिटी लास्ट में है, तो पार्ट एक से लेके कुल मिला के पार्ट 13 तक जो आपने पढ़ाई की है वही आपको करना है, लेकिन MCQ क्वेश्चन की करना है प्रैक्टिस, वो मैं करवा दूंगा 100%। ठीक है ना, पेपर में 200 नंबर मिल जाएंगे आपको गणित में, मैं दिलवा दूंगा, मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा भाई। और ये देखो सेक्शन V2, देखिए इसको करना नहीं है, काटो कांटा लगा भाई, इसको करना नहीं है, इसमें सिलेबस में ही नहीं है भाई, नया है, ऐसे ऐसे चैप्टर हैं आपको मिलेंगे भी नहीं। तो सेक्शन बी में आपको B1 करना है या फिर B2 करना है, तो B2 नहीं करना है क्योंकि B2 में जो चैप्टर है वो आपने पढ़े ही नहीं है, तो B1 करना है। B1 में आपके पार्ट एक से लेके पार्ट 13 तक मिल जाएंगे, और सेक्शन ए में पार्ट एक से लेके पार्ट 13 तक मिल जाएंगे, तो टेंशन खत्म भाई। कोई बच्चा कह रहा था कि सर सिलेबस के बारे में समझाइए, तो यही सिलेबस है, और आगे तो भाई क्वेश्चन करवाएंगे और क्या, खत्म हो गया सब। अभी स्टूडेंट जो है तैयार हो जाए, अब क्वेश्चन को करवाते हैं।